नमस्कार, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की और एक दूसरा नाम और सामने आएगा, सचिन पायलट का। क्या इन दोनों में तकरार हो जाएंगी या फिर दोनों को साबित करने में लगे हुए हैं? हमने देखा कि किस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े खफा खफा नजर आ रहे थे कांग्रेस के साथ, उनकी जम नहीं रही थी, शायद उनकी किन्हीं बातों को पूरा नहीं किया गया था या फिर वो कुछ चाहते थे वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, और यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एक नई पार्टी को जन्म देंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस से एक कार्यकर्ता आ भी गया था, सांसद हैं, उन्होंने यह भी कह दिया था, सिंधिया यदि नई पार्टी बनाते हैं तो मैं उसको ज्वाइन करूँगा, सदस्यता सबसे पहले मैं लूँगा। सिंधिया का वर्चस्व दिख रहा था, लेकिन कांग्रेस से दूरियाँ बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस से दूरियाँ बढ़ाकर नई पार्टी को बनाना शायद सिंधिया यह नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कहीं यह एक राजनीतिक भूल ना हो जाए, उनका वर्चस्व ना खत्म हो जाए। इसी तरह सचिन पायलट भी, जब राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, डिप्टी सीएम हैं, और लगातार अशोक गहलोत ने यह भाषण भी दिए अपनी रैलियों में, यह कहा कि उनके चेहरे के नाम पर वोट आए हैं, अशोक गहलोत के नाम से वह वोट आए हैं जो राजस्थान में आज कांग्रेस की सत्ता है। सचिन पायलट ने, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के बहुत मेहनत की और लगता था कि शायद मुख्यमंत्री वही होंगे, और कयास लगाए जा रहे थे कि एक युवा चेहरा को मौका देना चाहिए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष था, लेकिन अब देखने को क्या मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और खुद सचिन पायलट भी झारखंड पहुंच गए हैं जहां चुनाव चल रहे हैं, चौथा चरण आरंभ होने वाला है वहां पर, कल है, वहां पहुंच गए हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को, लगातार कांग्रेस के लिए जी तोड़ जान लगाकर काम कर रहे हैं। जहां कल तक यह हो कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नया दल बना लेंगे, कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, सचिन पायलट को लेकर भी कुछ लोगों ने यह कहा था कि हो सकता है वे कांग्रेस से अलग हो जाएं, लेकिन अब कांग्रेस के लिए जी तोड़ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या इसका यह कारण हो सकता है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में शायद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएं, वहां से चुनाव लड़ें और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएं, या जिस तरह राहुल गांधी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आ रहा है शायद अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुन लिया जाए। किसी न किसी एक बड़े पद की ही लालच थी, लालच कहें यह उसको हम फल कहें कि उसका परिणाम मिला है मेहनत करने का, और मिलना भी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को फिर से निर्विरोध अध्यक्ष बनाने पर तुला हुआ है कांग्रेस, यही कारण था जो कांग्रेस को 2014 में और 2019 में एक करारी हार का सामना करना पड़ा है कि विपक्ष के लायक भी नहीं बचे, राज्यसभा में बहुमत नहीं है आपका, राज्यों में आपकी सत्ता चली गई, अब जाकर के कुछ राज्यों को आप समेट पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया जा सकता है? आपको इसमें क्या लगता है? इस संबंध में भी अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।